हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात करें इस वीडियो में, तो आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। लाइक जीएम फॉर्डलर, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर इपकालैब, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए थे, तो ऑन मार्केट भी आ गए थे, आफ्टर मार्केट भी आया, तो उसे देख लेते हैं। और कुछ कंपनी के रिजल्ट छूट जाएंगे, जैसे कि अभी तक उनके रिजल्ट आए नहीं है नज़ारा के, तो जैसे कि कल की डेट में अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उससे रिलेटेड बातें कर लेंगे। बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अभी की डेट में एक वीडियो आई है, कल की डेट में काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट आए थे वो उससे रिलेटेड, और अपोलो हॉस्पिटल से रिलेटेड कि उसमें 10% का गेन किस तरीके से है। मैंने यहां पर बाय किया है, बट आपको रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल आपको नॉलेज के पर्पज से बताया। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक करके कंपनी के रिजल्ट हम देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके, इसके रिजल्ट आते हुए आज की डेट में दिखाई दिए और आज की डेट में शेयर भागते हुए दिखाई दिया। 8.75 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दी कंपनी ने अनाउंस किया है। एज वेल एज अगर बात करेंगे इसके रिजल्ट से रिलेटेड, थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे हमारे सामने। ये इसके रिजल्ट है, अगर बात करें ये जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड अलॉन रिजल्ट है इन करोड्स में। टोटल इनकम की बात करें 13,643 करोड़, इससे पहले 14,785, इससे पहले 9,458 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम थी, जो कि ईयरली बेस पे जंप है बट क्वार्टरली बेस पे गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की भी बात करें 12,373, इससे पहले 12,609, इससे पहले 8,625, तो ईयरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली बेस पे फ्लैट कह सकते हैं, थोड़े बहुत 300 करोड़ के आसपास यहाँ पर कम है। एज वेल एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 48 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 30 करोड़, इससे पहले कंपनी माइनस में थी 2502 करोड़ के। तो अगर बात करते हैं कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे करके दिखाया है, जो इसके ईपीएस में भी झलकेगा, जो कि देखिए 41 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 26 पैसे, इससे पहले 20 रुपये 98 पैसे का यहाँ पर नेगेटिव में ईपीएस था। तो महिंद्रा ने अच्छे खासे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे हैं, बाकी ईवी से भी रिलेटेड भी आगे चल के ये कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं वी मार्ट की, आपको पता ही है वी मार्ट अच्छा खासा फेमस है। एज वेल एज अगर बात करते हैं यहाँ पर इससे डिविडेंड दिया है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, यहाँ पर कोई इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, और किया होगा तो एक बार आप देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट इन लैक्स में है। बात करें टोटल इनकम की तो 75,621, से पहले 47,000, इससे पहले 33,000, तो ईयरली बेस पर जंप है बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में यहाँ पर गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं 35,850, से पहले 40,000, इससे पहले 34, तो एक्सपेंस भी ईयरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्वार्टरली बेस पर भी यहाँ पर क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है एक्सपेंस में। और अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की या लॉस फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर कंपनी को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले एक साल पहले 843 लाख का यहाँ पर लॉस था, अब 147 लाख का लॉस है, और इससे पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 4787 लाख इन रुपीज़ में। तो कंपनी प्रॉफिट से नेगेटिव में आ गई है, तो थोड़ा सा दूर रही है, और भी अच्छी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। उज्जीवन की बात करें तो यहाँ पर इसके भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्होंने डिविडेंड दिया है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो इन्होंने कोई डिविडेंड दिया होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें इनके रिजल्ट से रिलेटेड पता चल जाएगा, एक मिनट दीजिए मुझे। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट है, और यहाँ पर देखें इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें तो 170 लैक्स, इससे पहले 184, इससे पहले 250, तो ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस दोनों पे यहाँ पर टोटल इनकम में गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे एक्सपेंस यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। 508 से एक साल पहले 508 लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंस था, अभी 87 है, इससे पहले 117 था, 87 यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है 61 लाख का, इससे पहले बात करें तो यहाँ पर 49 लाख का प्रॉफिट था, इससे पहले नेगेटिव में कंपनी थी, तो नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, अच्छी बात है। और क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसे अपने रडार पे रखिएगा। बेसिक ईपीएस की बात करें तो 5 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 4 पैसे का था, इससे पहले नेगेटिव में ईपीएस था। तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज ने अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट पेश करके दिखाई है। बात करें सुमितो केमिकल, ये जापान की कंपनी है, अगर बात करें तो ये भी यहाँ पर नज़र आती है केमिकल से रिलेटेड, 80 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है इन्होंने, और यहाँ पर इनके रिजल्ट अगर देख लेते हैं तो देख लीजिए इन मिलियंस में है।
यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल एक्सपेंस 5387 मिलियंस, इससे पहले 5656, इससे पहले 4500 मिलियंस की रुपीस में यहाँ पर एक्सपेंस टोटल इनकम थी, जो कि ईयरली बेस पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्वार्टरली बेस पे गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 4775, इससे पहले 4900, इससे पहले 4100, तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहा है बट क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 442 लाख मिलियंस इन रुपीज़, इससे पहले 443, इससे पहले 228 मिलियंस इन रुपीज़। तो अगर बात करें ईयरली बेस में यहाँ पर जंप है प्रॉफिट में 2x, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है, जो कि देख लीजिए EPS सेम है, 1.09 रुपये, 1.09 रुपये, इससे पहले 46 पैसे का EPS था। तो कंपनी ने अच्छे खासे ईयरली बेस में यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। इसके अलावा SMS फार्मास्यूटिकल्स एक कंपनी है, और ये मुझे दिखाई दी थी तो मैंने कि देख लेते हैं इसे भी। 30 पैसे का यहाँ पर EPS अनाउंस किया है, ऑब्वियसली थिंग अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें लैक्स इन रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो 17,259 लाख इन रुपीज़, से पहले 14,000, इससे पहले 9,955 लाख इन रुपीज़। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे इस कंपनी ने अच्छा खासा टोटल इनकम में यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आया, अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस 13,828, से पहले 12,000, इससे पहले 9,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस ही बढ़ रहा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 2,221 लाख इन रुपीज़, से पहले 1,832, से पहले 624। तो देखिए रिजल्ट देखते देखते एक अच्छी कंपनी हमारे हाथ में लग गई है, SMS फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का नाम है। EPS भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 2.62 रुपये का, इससे पहले 2.16 रुपये, इससे पहले 74 पैसे। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट भी पेश करें, यहाँ पर कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेस पर अच्छा खासा प्रॉफिट में। SMS फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, यहाँ पर ये भी एक अच्छा खासा बड़े लेवल का यहाँ पर हॉस्पिटल्स है। इसकी अगर बात करते हैं डिविडेंड की, आई डोंट थिंक सो कोई डिविडेंड यहाँ पर पेश किया, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर होगा तो आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा इनके डिविडेंड से रिलेटेड। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर यहाँ पर देख लेते हैं टोटल इनकम 35,585, से पहले 37,000, से पहले 3,042। तो बात करें ईयरली बेस पर तो काफ़ी अच्छा 10x यहाँ पर इनकम होती है नज़र आ रही है। क्वार्टरली बेस पर थोड़ी बहुत गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस क्वार्टरली बेस पर घटते नजर आ रहे हैं, बट ईयरली बेस में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 724 लाख इन रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 3155 का प्रॉफिट था, इससे पहले 1140 नेगेटिव में था। तो ईयरली बेस में तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बहुत गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है साफ के साफ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एज वेल एज बात करें इसके EPS की, 8 पैसे का EPS है, इससे पहले 35 पैसे का EPS है, इससे पहले 20 पैसे का नेगेटिव में यहाँ पर EPS था। तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर से रिलेटेड बात थी। Ipcalab की अगर बात करते हैं तो Ipcalab के रिजल्ट बेकार आए हैं, यहाँ पर मैंने ड्यूरिंग द मार्केट देख लिए थे। अगर यहाँ पर बात करते हैं इनके रिजल्ट से रिलेटेड, यहाँ पर देख सकते हैं इन करोड़ में, यहाँ पर 1060 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम है इस बार का, 1333 से पहले था, 1,080 18 इससे पहले था। तो ईयरली बेस पर लगभग फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर गिरावट है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेस पे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है, 875 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर, तो यहाँ पर 151 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 269 करोड़ का था, इससे पहले 127 करोड़। तो ईयरली बेस में यहाँ पर थोड़ी बहुत जंप नज़र आ रही है प्रॉफिट में, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 11 रुपये यहाँ पर नीचे, बट स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा स्टॉक है, कभी बहुत अच्छा गिरावट पे अगर मिलता है तो डेफिनेटली उठाइएगा। 11 रुपये 54 पैसे का EPS है, इससे पहले 20 का था, इससे पहले 10 रुपये का EPS था। तो ईयरली बेस में यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत अच्छा किया है, बट क्वार्टरली बेस पर गिरावट। GM फॉडलर, जो कि आपको पता ही है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड, यहाँ पर अभी भी केस लटका हुआ है, कोई खरीदना नहीं चाहता। 2 रुपये का फाइनली डिविडेंड दिया लास्ट टाइम, तो 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। और अगर बात करें 3300 रुपये से लेके 5400 रुपये 5300 रुपये तक की रैली इस शेयर ने बनाई है, अभी देखते हैं कि कब तक सस्टेन रहती है। ओके, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग ऊपर लेवल पर फंसे हुए, अपॉर्चुनिटी है निकलने का, जो निकलना चाहते हो, बाकी रिजल्ट तय कर देंगे कि अच्छे परफॉर्मेंस आया है या नहीं। बात कर लेते हैं इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है, तो अगर हम यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल इनकम 1938 मिलियन से रुपीज़, से पहले 1600, इससे पहले 1146। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है टोटल इनकम में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
टोटल एक्सपेंस की बात करें 1488 लाख रुपीज़ से बढ़े 1300, इससे पहले 997, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर टोटल एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं 314 मिलियन रुपीज़ से पहले 222, इससे पहले 100, तो ईयरली बेस पे 3x, क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर 50% से ज़्यादा 50% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ, लगभग 30 या 40% के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसका ईपीएस भी आपको बता देगा कि कितना ईपीएस है। 21 रुपये का ईपीएस इस बार है, इससे पहले 15 था, इससे पहले 6.86 रुपये का। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पर जो ओएफएस आया था और जो इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़ थी, अभी तक केस निपटा नहीं है, तो थोड़ा सा प्रीकॉशन लेके यहाँ पर चलना। बाकी रिजल्ट तो अच्छे पेश किए कंपनी ने। साइबर मीडिया, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा देख के, अदरवाइज यहाँ पर मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड देख लेंगे। और बात करें साइबर से रिलेटेड है तो शायद कोई आईटी से रिलेटेड कंपनी हो सकती है। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, टोटल इनकम की बात करें 1211 लैक्स रुपीज़ से पहले 1212, से पहले 848, फिर ईयरली बेस पे जंप है बट क्वार्टरली बेस फ्लैट है। एक्सपेंस की बात करें 1182, 1185, 848, तो ईयरली बेस में यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट है, फ्लैट कह सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 27 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में था, यहाँ पर अभी नेगेटिव में आ गया, इससे पहले भी कंपनी नेगेटिव में चल रही थी, तो थोड़ा सा दूर रही है साइबर मीडिया ये जो कंपनी है। दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट ऑन द मार्केट आ गए थे, अच्छे रिजल्ट बता रहे थे, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार किस तरीके के यहाँ पर रिजल्ट पेश करें। रिजल्ट में यही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सब चीज़ पे यहाँ पर बेस पे ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, बट स्टिल हम एक ऊपर का ओवरव्यू ले लेते हैं। टोटल इनकम की बात करें ये भी इन लैक्स में है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 45,778, इससे पहले 43,000, इससे पहले 47,000, तो ईयरली बेस पे थोड़ी गिरावट है, क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है। ओके, यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंस की, एक्सपेंस 39,000 है, इससे पहले 38,000 थे, इससे पहले 47,000 थे, तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेस पे घटते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेस पे फ्लैट कह सकते हैं बढ़ते हुए। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 4,954 लाख रुपीज़ से पहले 3,337, से पहले 472, तो कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, दिस इज द रीजन कि ये शेयर भागते हुए नजर आया था। ईपीएस भी बढ़ गया 4.82 रुपये का, इससे पहले 3.33 रुपये, इससे पहले 51 पैसे का यहाँ पर ईपीएस। दीपक फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासे रिजल्ट इस कंपनी ने पेश करके दिखाए हैं। 3M इंडिया की बात करें तो इसके भी रिजल्ट ऑन मार्केट में आते हुए दिखाई दिए थे। ओके, एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसने कोई डिविडेंड दिया तो आई डोंट थिंक सो डिविडेंड दिया, बट ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, जिस वजह से शेयर गिरता हुआ नजर आया था। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इनकम अगर देखते हैं 77,678, इससे पहले 69,000, इससे 63, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार 69,000 लाख रुपीज़ के लगभग यहाँ पर एक्सपेंस है। और बात करें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पर दिखा रही है अच्छी खासी, यहाँ पर पता नहीं शेयर क्यों गिर रहा था, 6,6568 लाख रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 52,67 है, इससे पहले था कंपनी नेगेटिव, तो नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गया। क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। 58 रुपये का ईपीएस है, इससे पहले 46, इससे पहले 22, और बाकी शेयर काफ़ी महंगा यहाँ पर नजर आता है। 3M इंडिया कंपनी का नाम है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी के रिजल्ट हमें पता चली है, तो हम इनके रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट करिए। 3M के रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, बात करें यहाँ पर इस कंपनी की दीपक फर्टिलाइजर, इसके रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, साइबर से दूर रही है। जीएम फॉर्डलर के अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, बट इनसाइडर ट्रेडिंग की तलवार अटकी हुई है। इपका से काफ़ी नीचे आ सकता है शेयर, नीचे आए तो डेफिनेटली उठाइएगा। मैक्स से दूर रही है और भी हॉस्पिटल है अच्छे खासे। एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स ही अच्छा खासा रिजल्ट पेश करे इसने, इसे डेफिनेटली देखेंगे। सुमितों के भी रिजल्ट अच्छे खासे हैं, उज्जीवन फाइनेंस के रिजल्ट अच्छे खासे हैं, एज वेल एज अगर बात करते हैं वीमार्ट से थोड़ा सा दूर रही है, और महिंद्रा के रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं। तो यही वीडियो थी दोस्तों, इन कंपनी के रिजल्ट आए हैं, तो इसे वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा पूरी। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।